आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ा प्रसाद। वैसे कड़ा प्रसाद तो गुरुद्वारे में ही अच्छा बनता है, पर हम भी कोशिश करेंगे अच्छा बन जाए। देखो, इसकी सामग्री तो हमने तैयार कर ली और हमने इन्हें फेंट भी दिया। इनमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो है नहीं, ऐसे ही डाल देना हमने, परवाह नहीं करनी बिल्कुल भी। और ये हमने बना ली चाशनी चीनी वाली। वो ध्यान रखना आटा ना अपना रंग ना चेंज कर ले, क्योंकि अगर ये बदल गया तो हमारा तो काम खराब हो जाना है। हमने तो बनाना था खराब प्रसाद, बन कुछ और जाना है फिर। तो इतना चीज ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी, इसको हिलाते रहना है ठीक है, हल्का ब्राउन होने तक, ज़्यादा नहीं हिलाना, हिल हिल के चीज़ें खराब हो जाती हैं फिर। अब देखो ये अपना रूप बदलने लग गया है। हमने ये मिठा पानी उठा लेना है और धीरे से इसमें डाल देना है। ओए होए अटैक हो गया, ओए होए, संभल के डालना, बिल्कुल संभल के, बिल्कुल संभल के, बिल्कुल संभल के डालना, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। लापरवाही मतलब काम खराब। अब देखो जी, इसमें उबाल आने लगा है, ये गुस्सा मान जाए उससे पहले इसका पानी सूख जाए तो बढ़िया है। देखो जी, बाबा जी का नाम लेके बनाना है कसा प्रसाद ये हमने, ठीक है। ओए होए छिट्टा आतंकी हमला, ओए होए गैस कट कर लो, गैस कट कर लो। हाँ ऐसे आराम आराम से धीरे धीरे लाते रहना है जब तक ये बिल्कुल ही स्मूथ ना हो जाए और चिपकना बंद ना कर दे। जैसे कि आपको पता है कौन चिपकता है, तो वो थोड़ा गर्म रखना है, टेम्परेचर ज़्यादा ही घट गया, थोड़ा घट करके हमने इसको उबालना है। चलाते रहो जी कढ़ाई, मेहनत तो लगनी है, मेन बात है मेहनत की। मेहनत से ही फल मिलता है, पर फल ही स्वाद होता है, ज़्यादा नहीं खाना फल, शुगर भी हो जाती है। ओए होए थोड़ा दूर होके काम करना भाई, छींटे बहुत आ रहे देखना। मैं देखो जी लजीज सा लग रहा है, बताना ज़रूर कमेंट करके कैसा लग रहा है। देखो जी घी तैरने लगा है, स्वाद फर्स्ट क्लास हो गया है, देखने में बड़ा लजीज सा लग रहा है। तो इसको हमने पलट पुलट के देख लेना है कितने नीचे तो नहीं लग गया। देख रहे हो जी, ओए होए स्वाद, ओए होए। ओ बिल्लो पैसे पूसे दी ना करे परवाह, चट पैदा होया बस कौन वास्ते। हाँ जी ये काम हो जाना बस सेट, थोड़ी सी देर और ऐसे हिलाते रहना है इसको, परहेज नहीं करना हिलाने से, ये ना नीचे लग जाए इससे पहले हमने इसको हिला लेना है। 2 मिनट। लो जी अब हमने इसमें डाल लिए हैं ड्राई फ्रूट जी, मैंने पहले ही फेंट लिए थे, पता भी ना चले अंदर कुछ है। अब इसको अच्छे से हिलाते रहो जितने बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ रल मिल ना जाए, कोई दुश्मनी ना रहे बीच में इनके, ठीक है ना, ऐसे हिलाते रहो। तो ये तैयार हो गया स्वादिष्ट कड़ा प्रसाद। इस रेसिपी को अपने घर पे अपने रिस्क पे ट्राई करें, क्योंकि मैंने तो बता दिया, अब बाकी